हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने या पिछले 3-4 लेक्चर्स में हमने जो पोएम स्टार्ट किया है रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, पोएट के इंट्रोडक्शन के बारे में और इसके फर्स्ट स्टेंजा और सेकेंड स्टेंजा को कवर किया है। अब इसी पोएम का जो लास्ट स्टेंजा बचता है, थर्ड स्टेंजा, उसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करने जाएंगे या आज के लेक्चर में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, मैं आपको पिछले दो स्टेंजाज में हल्की सी झलक या हल्का सा उसका रिपीटेशन या रिवीजन करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपको पहले स्टेंजा में बताया था कि ऑटम सीजन को सूर्य के साथ कंसल्ट करते हुए, प्लान बनाते हुए देखा गया है कि किस तरह से नेचुरल वर्ल्ड में मैच्योरिटी लाएं, फ्रूट्स लेकर के आएं वृक्षों पर। और सेकेंड स्टेंजा में हमने आपको ये बताया था कि पोएट ने ऑटम सीजन को चार तरह से पर्सनिफाइड किया है या चार व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट किया है। पहला व्यक्ति था हार्वेस्टर जो खलिहान में बैठा हुआ था, दूसरे व्यक्ति में उसने उसको फसल काटने वाले के रूप में प्रेजेंट किया है जो कि फसल काटते काटते आधे कटे खेत में ही सो जाती है। तीसरे व्यक्ति के रूप में जो प्रेजेंट किया उसने उसको ग्लीनर के रूप में प्रेजेंट किया है जो फसल बटोरने वाले के रूप में है, जो कि अपने सिर पे फसल का बोझा लिए हुए नाले को पार करती हुई दिखाई गई है। और चौथा जो व्यक्ति के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है, चौथे व्यक्ति के रूप में, वो है साइडर प्रेशर के रूप में जो जूस निकालते हुए व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने जूस निकालने वाले मशीन के बगल में खड़ा होकर के गिरते हुए जूस की बूंदों को घंटों तक देखते रहता है। ये हमने अब तक के स्टेंजाज में पढ़े थे। और अगले जो स्टेंजा हमें देखने के लिए हम जा रहे हैं, जो थर्ड स्टेंजा है हमारे इस पोएम का, उसमें वो ऑटम सीजन के म्यूजिक के बारे में बात करता है। पहले स्टेंजा में ऑटम सीजन को सूर्य के साथ प्रेजेंट किया, दूसरे स्टेंजा में ऑटम सीजन को पर्सनिफाइड किया है और थर्ड स्टेंजा में वो पोएट ऑटम सीजन के म्यूजिक के बारे में या सॉन्ग के बारे में बात करता है। तो चलिए देखते हैं थर्ड स्टेंजा। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, ए वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम, दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, वाइल बार्ड क्लाउड्स bloom as soft dying day and touch the subtle plains with rosy hue, then in a wailful chirp of small gnats mourn among the river shallows, borne aloft or sinking as light wind leaves or dies। एक बार इनके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। दूसरी लाइन में हमने, तीसरी लाइन में एक वर्ड यूज देखा है, बार्ड क्लाउड्स। बार्ड क्लाउड्स मतलब हो गया कि ऐसे क्लाउड्स। बच्चों, इस स्टेंजा को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ रियलाइज करवा दूं कि आप अगर अपने दिमाग में इमेजेस बनाते हुए स्टेंजा को पढ़ेंगे ईजिली और सिंगल टाइम में ही आपको क्लियर हो जाएगा पूरा व्यू। तो आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप अपने रियल लाइफ में वैसा इमेजिन कीजिए, ऐसा इमेज बनाइए अपने माइंड में, अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कहता क्या है कि बार्ड क्लाउड्स की बात कर रहा है। बार्ड क्लाउड्स मतलब जो है, जो क्लाउड्स आसमान में बिखरे पड़े रहते हैं। कई बार आप देखते हो ना, क्लाउड्स का एक गुच्छा इधर पड़ा है, थोड़ा इधर पड़ा है, थोड़ा इधर पड़ा है, तो जो बिखरे हुए क्लाउड्स हैं जो एक बार्स के रूप में, क्षण के रूप में दिखाई देते हैं। ब्लूम, ब्लूम मतलब ग्लो करना, चमकना। कई बार आप लोग देखते हो कि पश्चिम साइड में या पूरब साइड में सूर्य छुप रहा होता है या आ रहा होता है और बादलों के पीछे से रेज निकलती रहती हैं, किरणें निकलती रहती हैं सूर्य की। और जब वो किरणें बादलों के नीचे से या पीछे से निकलते हुए दिखते हैं तो वो बादल चमकने सा लगता है या उस बादल में एक एक्स्ट्रा शाइनिंग आ जाती है। तो उसी को कह रहा है कि ब्लूम मतलब वो जो बादल हैं वो क्या कर रहे हैं, चमक रहे हैं। कब? सॉफ्ट डेइंग डे। सॉफ्ट मतलब स्लो तो है ही सॉफ्ट। डाइंग डे मतलब मरता हुआ दिन, मरता हुआ दिन। दिन मरता नहीं है, दिन मरने का मतलब हो गया एंडिंग ऑफ द डे।
दिन की समाप्ति, इट मीन्स सनसेट टाइम, सूर्यास्त का समय। तो क्या कहता है कि जो बार्ड क्लाउड्स है ना, वो क्या करते हैं, ब्लूम, चमकने लग जाते हैं। कब? दिन के समाप्ति पे या संध्या के समय, जब सूर्यास्त हो रहा होता है। और उस समय क्या होता है, एंड टच द सबटल प्लेन्स विद रोजी ह्यू, टच द सबटल प्लेन विद रोजी ह्यू। रोजी मतलब रोजी कलर, ह्यू मतलब कलर है, रोजी कलर के जो, अब आपको एक बात बताऊं, रोजी कलर तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का कलर देखा करो आप, कैसा होता है, रेडिश होता है, रेड रेड का होता है। और अगर वो रेड कलर बादलों के पीछे से निकल के आएगा तो वो भी हल्का हल्की लाल सी दिखाई देगी। तो उसी को वो कह रहा है कि रोजी कलर। कह क्या रहा है पोएट की, अब एक मैं इमेज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप उस इमेज को समझ लेना, उसके बाद ये इजिली समझ में आ जाएगा कि सूर्यास्त का समय है, सूर्य पश्चिम में छिपने वाला है और आसमान में, पश्चिम साइड में आसमान में कुछ बादल बिखरे हुए हैं इधर उधर, और सूर्य की जो रोशनी उन बादलों से छन करके या उन बादलों के पीछे से निकल करके आ रही है। तो सूर्य देखो सूर्यास्त के समय लालिमा युक्त होता है, रेडिश होता है, तो लाल कलर हो गया। तो वो जो किरणें निकल के आएंगी, वो जो रेज निकल के आएंगी, वो भी कैसी होंगी, रेड कलर में होंगी। तो क्या कह रहा है कि वो सूर्य की किरणें जो रेडिश कलर में है या रोजी कलर में है, वो निकल के आती हैं और कहाँ पे पड़ रही हैं, धरती पर। ये लिखा है ना कि सबटल प्लेन, जो धरती है, जो मैदान है, उस पर वो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है, देन इन वेलफुल च्योर, ठीक उसी समय एक दुखदाई, वेलफुल मतलब होता है मॉर्नफुल, च्योर मतलब सिंगर्स का ग्रुप, और द स्मॉल जिनेट्स, जिनेट्स क्या होता है, झिंगुर, जिसको आप कहते हो झिंगुर, उसको कहते हैं जिनेट्स। मौन मतलब दुख व्यक्त करना या रोना या शोक करना। अमोंग द रिवर सेलोज, सेलोज मतलब बुशेज, झाड़ियाँ, रिवर के किनारे, किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे देखते हैं ना, छोटी छोटी सी झाड़ियाँ उगाती हैं, उनको कहते हैं सेलोज। बॉर्न अलॉफ्ट मतलब अपलिफ्टेड, ऊपर की तरफ उठती हैं, एंड सिंकिंग फिर उसमें डूब जाती हैं, सिंक मतलब डूबना। एज द लाइट विंड, जैसे कि हल्की हल्की हवा, लाइव्स चले, अब यहाँ लाइव्स और डाइज का मतलब जीवन और मृत्यु नहीं है, यहाँ लाइव्स का मतलब है हवा का चलना और डाइज मतलब हवा का रुक जाना। लाइट विंड लीव्स, हल्की हवा चलना और फिर हवा का रुक जाना, इसके बारे में बात कर रहा है। तो बच्चों एक बार मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जाए, फिर आगे बात करें। पहली लाइन में वो एक क्वेश्चन करता है पोएट कि स्प्रिंग टाइम का जो म्यूजिक है, मतलब बसंत ऋतु की जो म्यूजिक है, वो कहाँ है। कहने का मतलब ऑटम सीजन में बसंत ऋतु की जो म्यूजिक है वो हमें नहीं सुनाई देती है। फिर कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ऑटम सीजन के पास भी खुद की अपनी म्यूजिक है। वो कहता है ऑटम सीजन के पास खुद का अपना म्यूजिक है, और ये म्यूजिक कब सुनाई देता है, तो उसके लिए इमेज बनाता है कि जब संध्या का समय है, आसमान में बादल बिखरे हुए हैं, और उन बादलों के पीछे से रोजी कलर के सूर्य की किरणें आकर के मैदान को टच कर रही हैं, ठीक उसी समय। मतलब अगर पोएट चाहता तो डायरेक्ट बोल देता सनसेट टाइम में या संध्या के समय में ये आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन देखो उसने हमारे सामने एक इमेज प्रेजेंट किया है, उसके बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि संध्या का समय है, आसमान में बादल बिखरे पड़े हैं, उसके पीछे से सूर्य की किरणें निकल के आ रही हैं और मैदान को टच कर रही हैं, ठीक इस टाइम पे, मतलब जो इमेज बताया है इस टाइम पे हमें सुनाई पड़ता है आवाज़। किसकी सुनाई आवाज़ पड़ती है, एक दुखदाई आवाज़ सुनाई पड़ती है, किसके, झिंगुरों के ग्रुप की या बहुत सारे झिंगुर की, जो कि क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग या मेलंकलिक मूड में गा रहे हैं या सैड मूड में गा रहे हैं या अपने सॉन्ग को प्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ, अलोंग सी साइड, सी साइड के किनारे, अमोंग द स्वेलोज, उन बुशेज में, समुद्र के किनारे या रिवर के किनारे जो बुशेज हैं, झाड़ियाँ हैं, उसमें से आवाज़ आ रही है। और ये आवाज़ कई बार तो
तेज़ी से सुनाई देती है, कई बार हमें अच्छे से सुनाई देती है, और कई बार ये आवाज़ क्या हो जाती है, सिंकिंग मतलब ख़त्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। किसकी तरह? इन द सेम वे या एज द लाइट विंड, जैसे कि हल्की हवा समटाइम्स ब्लो एंड देन स्टॉप, जैसे कि हल्की हवा कई बार बहती है और फिर रुक जाती है, उसी तरह से हमें कई बार झिंगुरों की आवाज़ सुनाई देती है, कई बार झिंगुरों की आवाज़ ख़त्म हो जाती है। आप इमेजिन कर लो ना, अपने जो रूरल एरिया के बच्चे होंगे या जो रूरल साइड के पर्सन होते हैं, जो ग्रामीण इलाके में रहते हैं, जिनके आसपास तालाब वगैरह होता है, शाम के समय देखा करो, कई बार तरह तरह के जानवरों की या तरह तरह के कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आती है और फिर वो शांत हो जाते हैं, फिर गाने लग जाते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। तो ठीक उसी कंडीशन को यहाँ एक्सप्लेन किया है किसने? पोएट ने। तो चलिए एक बार हम देखते हैं। अब क्या कहता है कि स्टार्टिंग में द पोएट आस्क ए क्वेश्चन, पोएट सबसे पहले एक क्वेश्चन आस्क करता है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि वो एक आस्क करता है, एक क्वेश्चन पूछता है हमसे, क्या कि वेयर इज द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग टाइम की म्यूजिक कहाँ है, या स्प्रिंग टाइम में जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो कहाँ है। इट मीन्स इन द ऑटम, इट मीन्स द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग या द स्प्रिंग टाइम्स म्यूजिक कैन नॉट बी हर्ड, नहीं सुना जा सकता, कहाँ? इन ऑटम सीजन। इट मीन्स देयर इज नो म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग इन ऑटम टाइम, ऑटम टाइम में स्प्रिंग टाइम की म्यूजिक है ही नहीं, कैसे हो सकती है? स्प्रिंग टाइम कहाँ आता है? फरवरी मार्च के आसपास। ऑटम कहाँ आ रहा है? नवंबर अक्टूबर के आसपास, तो बहुत लंबा गैप हो गया, तो उस टाइम की म्यूजिक ऑटम सीजन में आ ही नहीं सकती। तो उसने पहले क्वेश्चन किया वेयर आर द म्यूजिक ऑफ, या वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग टाइम, देन ही सेज दैट वी कैन नॉट हर्ड द म्यूजिक ऑफ स्प्रिंग टाइम इन ऑटम टाइम। ऑटम टाइम में हम म्यूजिक कौन से टाइम का? स्प्रिंग टाइम का हम नहीं सुन सकते। देन ही सेज बट देयर इज नो नीड टू फील मेलंकली या फील सैड, वो कहता है कि थिंक नॉट ऑफ देम, मतलब डोंट थिंक अबाउट देम, मतलब उस म्यूजिक के बारे में सोचो। किस म्यूजिक के बारे में? सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग टाइम के म्यूजिक के बारे में मत सोचो। क्यों? बिकॉज द ऑटम सीजन हैज़ इट्स ओन म्यूजिक, क्योंकि ऑटम सीजन के पास अपने खुद की एक म्यूजिक है, अपने खुद का एक सॉन्ग है, ठीक है। एंड दिस म्यूजिक कैन बी हर्ड, और ये सॉन्ग सुना जा सकता है कब? व्हेन या एट द सनसेट टाइम, दिस म्यूजिक कैन बी हर्ड, ये म्यूजिक सुना जा सकता है एट द सनसेट टाइम, सनसेट टाइम में, व्हेन देयर आर स्प्रेडेड क्लाउड्स इन द स्काई, व्हेन देयर आर स्प्रेडेड या क्लाउड्स आर स्प्रेडेड इन द स्काई एंड द रोजी कलर ऑफ सन रेज कम्स थ्रू द क्लाउड्स एंड टच द सबटल प्लेन। वापस से सुन लीजिएगा कि दिस म्यूजिक या द म्यूजिक ऑफ ऑटम सीजन कैन बी हर्ड, सुना जा सकता है एट द इवनिंग टाइम या एट द सनसेट टाइम व्हेन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई या देयर आर स्प्रेडेड क्लाउड्स इन द स्काई एंड द रोजी कलर या द रेड कलर ऑफ सन रेज कम्स थ्रू, कम थ्रू किसके थ्रू होके आती है? दोज क्लाउड्स एंड टच द सबटल प्लेन या टच द फील्ड या टच द प्लेन, जब वो मैदान को टच करती हैं एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय वी कैन हीयर, हम सुन सकते हैं द सॉन्ग या द मॉर्नफुल सॉन्ग या द वीपिंग सॉन्ग ऑफ स्मॉल जिनेट्स, हम ठीक उसी समय वीपिंग सॉन्ग या मॉर्नफुल सॉन्ग सुन सकते हैं किसके? स्मॉल जिनेट्स के, छोटे छोटे झिंगुरों के हम आवाज़ ये सुन सकते हैं। एंड दिस साउंड आर कमिंग, ये जो साउंड है ना, ये कहाँ से आ रही हैं? दीज साउंड्स या दिस साउंड्स इज कमिंग, ये जो झिंगरों की आवाज़ है जो कि मॉर्नफुल साउंड है, एक दुखदाई साउंड है, ये कहाँ से आ रही है? अमोंग द स्वेलोज अलोंग द रिवर साइड, अमोंग द स्वेलोज मतलब अमोंग द बुशेज, जो उस झाड़ियों के बीच में से, कहाँ है ये झाड़ियाँ? अलोंग द रिवर, रिवर के किनारे।
तो क्या कह रहा है कि एट द सनसेट टाइम वी कैन हियर द म्यूजिक या द मॉर्नफुल साउंड या द वीपिंग साउंड ऑफ स्मॉल जिनेट्स या द ग्रुप ऑफ जिनेट्स, दे आर सिंगिंग इन मॉर्नफुल साउंड या दे आर सिंगिंग इन मेलंकोलिक टोन, वो दुखदाई टोन में गाना गा रहे होते हैं. एंड दीज सॉन्ग्स, और ये जो सॉन्ग्स हमें सुनाई दे रहे हैं ना, दीज सॉन्ग्स आर कमिंग, और ये सॉन्ग्स कहाँ से आ रहे हैं, या वी कैन लिसन दीज सॉन्ग्स, हम इस सॉन्ग्स को सुन सकते हैं अलोंग द रिवर साइड, रिवर के किनारे, अमोंग द बुशेज, रिवर के किनारे जो बुशेज हैं, जो झाड़ियाँ हैं, उसमें हम ये आवाज़ सुन सकते हैं. एंड दीज साउंड्स, और ये जो आवाज़ है ना, सम टाइम लिसन्स, कई बार तो ये हमें सुनाई देती हैं, एंड सम टाइम इट स्टॉप, और कई बार ये आवाज़ हमें नहीं सुनाई देती है, ये रुक जाती हैं. तो क्या कह रहा है कि सम टाइम दीज सॉन्ग्स या दीज म्यूजिक कैन बी हर्ड, सुना जा सकता है, बट एट द नेक्स्ट टाइम या इन द नेक्स्ट मोमेंट इट डिसअपीयर या दिस साउंड्स स्टॉप, और ये जो आवाज़ है ये रुक जाती हैं. एज या इन द सेम वे एज द लाइट विंड, जैसे कि है एक हल्की हवा, समटाइम्स ब्लोज एंड समटाइम स्टॉप्स. क्या कह रहा है कि वी कैन हियर या वी कैन लिसन द मॉर्नफुल साउंड ऑफ स्मॉल जिनेट्स, कहाँ, अलोंग द रिवर साइड, रिवर के किनारे, अमोंग द बुशेज, जो उस झाड़ियों में, एंड दिस साउंड या द साउंड ऑफ स्मॉल जिनेट्स समटाइम्स लिसन, कई बार सुने जाते हैं, एंड समटाइम्स इट स्टॉप, कई बार ये रुक जाते हैं. इन द सेम वे, ठीक उसी तरह से, जैसे कि एज अ लाइट विंड, जैसे कि एक हल्की हवा, समटाइम्स ब्लोज और समटाइम्स इट स्टॉप्स. आई थिंक ये बात इतनी क्लियर हो गई होगी आपको. आगे की लाइंस में देखते हैं क्या है. फिर कहता है एंड फुल ग्रोन लैम्स, एक आवाज़ हमें बता दी, एक साउंड किसकी बताई थी हमें, स्मॉल जिनेट्स की. दूसरी साउंड की, दूसरा साउंड हमारे सामने किसको प्रेजेंट करता है, वो एंड फुल ग्रोन लैम्स. फुल ग्रोन मतलब एक वयस्क, फुल ग्रोन मतलब अच्छा खासा बड़ा हुआ, मतलब फुल फॉर्म में कौन, लैम, लैम जानते हो आपको, भेड़िया. लाउड ब्लीट, ब्लीट है भेड़िया के बोलने की आवाज़ को ब्लीटिंग कहते हैं. फ्रॉम हिली बॉर्न, हिली मतलब हिल, पहाड़ियाँ, बॉर्न मतलब बाउंड्री. हेज क्रिकेट, हेज क्रिकेट मतलब होता है ग्रास ऊपर, जिसको आप तिलचट्टा, ओ सॉरी टिड्डा भी कहते हो, ग्रास ऊपर. सिंग्स एंड नाउ द ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल सॉफ्ट मतलब श्रिल साउंड, श्रिल साउंड, तीक्ष्ण आवाज़. किसकी, रेड ब्रिस्ट, रेड ब्रिस्ट एक पक्षी है जिसको आप रॉबिन बर्ड भी कहते हो. उसके विस्लिंग साउंड मतलब सिटी की आवाज़ जैसी आ रही है, कहाँ से, गार्डन क्रॉफ्ट, क्रॉफ्ट मतलब एरिया, गार्डन के किसी एरिया से. एंड द गैदरिंग मतलब जो ग्रुप है किसका, स्वेलोज मतलब क्रेन्स, सारस, जो सारस होते हैं उनको कहते हैं, जो आसमान में उड़ते रहते हैं शाम के टाइम देखा करो. ट्विटर मतलब चिरपिंग साउंड, कहाँ, आसमान में, स्काइज. तो अब क्या कहता है कि एट द सेम टाइम, किस टाइम में, जब वो आसमान में बादल बिखरे हुए हैं और सूर्य की रोशनी बादलों में से होते हुए आकर के जमीन को टच कर रही है, एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, वी कैन ऑल्सो हियर, हम और भी क्या सुन सकते हैं, वी कैन ऑल्सो हियर द साउंड ऑफ लैम्ब या द ब्लीटिंग साउंड ऑफ लैम्ब. ब्लीटिंग साउंड, भेड़िया के बोलने की आवाज़ हमें सुनाई दे सकती है, किस टाइम में, सनसेट टाइम में. एट द सेम टाइम वी कैन लिसन या वी कैन हर्ड द ब्लीटिंग साउंड ऑफ लैम्ब दैट वॉज कमिंग, जो कहाँ से चल के आ रही है, यह साउंड कहाँ से चल के आ रही है, दैट वॉज कमिंग फ्रॉम बाउंड्री ऑफ हिल्स, मतलब दूर कहीं पहाड़ी की बाउंड्री है या पहाड़ियों का एक सीरीज फैली हुई है, एक पहाड़ी फैली हुई है, वहाँ से ये आवाज़ आती हुई सुनाई देती है. कौन सी आवाज़, ब्लीटिंग साउंड ऑफ लैम्ब. तो वो क्या कहता है, वी कैन ऑल्सो हियर द ब्लीटिंग साउंड ऑफ लैम्ब इन द इवनिंग या एट द सनसेट टाइम दैट वॉज कमिंग, जो कि कहाँ से चल के आ रही है, द बाउंड्री
ऑफ हिल्स, जो बाउंड्री है हिल्स की वहां से आ रही है। और कौन सी आवाज सुनाई देती है? वी कैन ऑल्सो हियर, और हम क्या सुन सकते हैं? वी कैन ऑल्सो हियर द सिंगिंग या द सॉन्ग ऑफ सिंगिंग ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर, हेज क्रिकेट को ग्रास ऊपर भी कहते हैं। वी कैन ऑल्सो हियर द सिंगिंग ऑफ या द म्यूजिक ऑफ ग्रास ऊपर, ठीक है, हम इसको भी सुन सकते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो द सॉफ्ट एंड श्रिल साउंड ऑफ रॉबिन ब्रिस्ट, या देयर इज अ सॉफ्ट एंड श्रिल साउंड या म्यूजिक ऑफ रॉबिन बर्ड दैट वॉज कमिंग फ्रॉम गार्डन एरिया। उसने क्या कहा? वी कैन ऑल्सो हियर द ब्लीटिंग साउंड ऑफ लैम्ब दैट वॉज कमिंग फ्रॉम बाउंड्री ऑफ हिल्स, एंड वी कैन ऑल्सो हियर एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो हियर द सिंगिंग ऑफ हेज क्रिकेट्स या सिंगिंग ऑफ ग्रासहॉपर, एंड एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो हियर द श्रिल म्यूजिक या द श्रिल सॉन्ग ऑफ रॉबिन बर्ड दैट वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर इन गार्डन एरिया या समवेयर इन गार्डन, गार्डन में किसी एरिया से उसके बोलने की आवाज़, या मतलब गार्डन में किसी पेड़ पे बैठ करके वो गा रही है और वहाँ से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, और उसकी आवाज़ कैसी, बिल्कुल श्रिल है। और एट लास्ट क्या कहता है? वी कैन ऑल्सो हियर द ट्विटरिंग या द चिरपिंग साउंड ऑफ स्वेलोज या क्रेन्स, कहाँ? इन द स्काइज। क्या कह रहा? वी कैन ऑल्सो हियर द चिरपिंग साउंड ऑफ स्वेलोज इन द स्काई, और आसमान में उड़ते हुए जो स्वेलोज हैं, जो क्रेन्स हैं, या जो पक्षी हैं जो चिरपिंग करते हुए, जो साउंड करते हुए उड़ते जा रहे हैं, हम उसको भी सुन सकते हैं। कब? एट द सेम टाइम ऑफ सनसेट, ठीक उसी सनसेट टाइम पे। तो इस स्टेंजा में उसने, उसके पोएट ने ऑटम टाइम के म्यूजिक के बारे में बात किया। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि थर्ड स्टेंजा में पहले तो वो क्या करता है कि एक क्वेश्चन पुटअप करता है कि ऑटम टाइम में स्प्रिंग टाइम का, बसंत ऋतु का जो गाना है या जो म्यूजिक है, जो सॉन्ग है, वो कहाँ है। फिर वो कहता है कि ऑटम टाइम में स्प्रिंग टाइम के म्यूजिक को नहीं सुना जा सकता। आगे वो कहता है बट देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट देम, या देयर इज़ नो नीड टू थिंक अबाउट देम, उसके बारे में सोचने की और कोई ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज द ऑटम सीजन हैज़ इट्स ओन म्यूजिक टू, क्योंकि ऑटम सीजन के पास अपनी खुद की म्यूजिक भी है। और ये म्यूजिक कब हमें सुनाई देती है? एट द सनसेट टाइम, सूर्यास्त के समय में, जब क्या होता है, रोजी कलर ऑफ सन रेज, जो सन रेज होती है जो रोजी कलर में है, टच द सबटल प्लेन, धरती को टच करती हैं। एट द सेम टाइम वी कैन हियर, ठीक उसी समय हम सुन सकते हैं, क्या सुन सकते हैं? द साउंड ऑफ या द म्यूजिक ऑफ किसका? स्मॉल जिनेट्स, झिंगुर का, एंड इट इज अ म्यूजिक ऑफ मेलंकली, या इट इज अ सैड म्यूजिक, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो। एट द सेम टाइम वी कैन हियर या वी कैन लिसन द मॉर्नफुल साउंड ऑफ स्मॉल जिनेट्स, एंड दे आर सिंगिंग अमोंग द बुशेज, और वो कहाँ गा रहे हैं? दे आर सिंगिंग अमोंग द बुशेज, झाड़ियों में, अलोंग द रिवर साइड, नदी के किनारे, एंड देयर सॉन्ग समटाइम्स लिसन एंड समटाइम्स स्टॉप, उनकी आवाज़ कई बार सुनी जाती है और कई बार रुक जाती है। इन द सेम वे एज द लाइट विंड समटाइम ब्लोज और समटाइम स्टॉप, ठीक है। फिर आगे की बात कही उसने कि वी कैन ऑल्सो हियर द ब्लीटिंग साउंड ऑफ लैम्ब दैट वॉज कमिंग फ्रॉम बाउंड्री ऑफ हिल्स, हमें ब्लीटिंग साउंड भी सुनाई देता है, किसका? लैम्ब का, जो कि पहाड़ियों के किनारे से या पहाड़ियों की साइड से आता हुआ सुनाई दे रहा है। वी कैन ऑल्सो हियर द साउंड या द म्यूजिक ऑफ ग्रास ऊपर, एंड देयर इज ऑल्सो द म्यूजिक ऑफ रॉबिन बर्ड दैट इज वेरी श्रिल, एंड सी इज सिंगिंग समवेयर इन गार्डन, और वहाँ पे श्रिल साउंड भी है या श्रिल म्यूजिक भी है, किसका? रॉबिन बर्ड का, जो कि कहीं गार्डन में गा रही है। एंड एट लास्ट देयर इज ऑल्सो द साउंड या द म्यूजिक ऑफ ट्विटरिंग या चिरपिंग साउंड ऑफ स्वेलोज दैट आर फ्लाइंग इन द स्काई, जो कि आसमान में उड़ रहे हैं और गा रहे हैं। तो बच्चों, आज के स्टेंजा में या आज के इस क्लास में हमने जॉन कीट्स के इस पोएम ओड टू ऑटम को कंप्लीट किया, और आई होप आपको ये पूरा तीनों स्टेंजा समझ में आ गया होगा।
फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।